हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है

गई थी आज के दिन में अगर देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर भागे है। तो इस तरीके से वीडियोस यहाँ पर डेली बेसिस पे आती रहती है तो इन वीडियोस को जाके देखिए बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है वो आप आपको खुद की स्टडी और फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके ही करना है आ, क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्ट फॉर एवर में आपको इस तरीके की नॉलेज दी जाती है तो यहाँ पर आपको सीखना है और इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियोस देखनी है सारी वीडियोस जब भी आप देखें तो लाइक जरूर कर दीजिए एक लाइक आपका मोटी, हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है और यहाँ पर इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस तरीके की स्टॉक्स आपके पास लाए जाए तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड हम बातें करेंगे तो अगर हम बात करें सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्टॉक से रिलेटेड यहां पर बात करेंगे जो कि है इंडिया ग्लाइको। इंडिया ग्लाइकोल की अगर हम बात करें देखिए जो ग्लाइकोल इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मोनो

टर्म के व्यू से बिल्कुल मत शेयर खरीदिएगा शॉर्ट टर्म के व्यू से स्विंग ट्रेड के पर्पज से यहाँ पर इस स्टॉक की तरफ नजरें बनाइएगा यहाँ पर हाईएस्ट अर्बन यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है रिजर्व्स की बात करें ग्यारह सौ अड़तीस करोड़ का रिजर्व है और उतने ही आसपास यहाँ पर देखिए बॉरिंग भी है यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में एक सौ छब्बीस करोड़ रुपए है इन्वेस्टमेंट सत्ताईस करोड़ रुपए कैश की बात करें अट्ठानबे करोड़ रुपए एज वेल well एज यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इकसठ परसेंट के शेयर प्रमोटर प्रमोटर्स के पास है और यहाँ पर इस, अगर बात करें एफ तो अपनी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी कर करके यहाँ पर घटाते जा रहे हैं डी की हिस्सेदारी थोड़ी सी ही है ना के बराबर ही कह सकते हो पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करें थर्टी की है उसमें से पुनीत भाटिया ने यहाँ पर टू

कि पीएलआई स्कीम्स यहाँ पर टेक्सटाइल वेयर से रिलेटेड आती हुई दिखाई दी थी तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक दिग्गज टेक्सटाइल स्टॉल्स

हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आते हुए जनरेट किया है एज वेल एज बात करें यहां पर ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर पिछले दस साल से तीन सौ चौतीस करोड़ की सेल्स यहाँ पर दो हजार करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है और यहाँ पर देखिए कंपटीशन भी ज्यादा है ओके यहाँ पर कंपनी अच्छी है बट कंपटीशन भी यहाँ पर ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है इस वजह से फिर स्टिल अब बात करें कंपनी यहाँ पर देखिए चार करोड़ से दो सौ चौरासी पचासी करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ पर बैठी हुई है तो ये एक बताता है कि मैनेजमेंट अच्छा है कंपनी अच्छी है ब्रांड्स अच्छे है और यहाँ पर जो इनके कपड़े आते हैं वो भी अच्छे है इसके अलावा रिजर्व की बात करें थाउजेंड करोड़ के आसपास के रिजर्व है बोरा ही यहाँ पर कम कर दिया नाइन्टी फाइव करोड़ की बोर

तो देखिए ये जब भी फिफ्टी डीएमए के आसपास ये शेयर आता है तो इस चीज को याद रखिए ये शेयर फिर भागता हुआ दिखाई देगा आज की डेट में गिरावट थी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कल की डेट में भी अगर एक गिरावट होती है तो बाय ऑन डिप्स करके इन शेयरों को खरीदते रहिए अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी रखेंगे तो कहीं आपको लॉस नहीं कर देखा जाएगा बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट ही देखा जाएगा इस चीज को याद रखिएगा तो लक्स इंडस्ट्री की तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके अलावा हम एक और स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बात करते हैं जो की है पेंट सेक्टर का बर्जर पेंट्स से बर्जर पिंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का बर्जर पिंट्स नजर आता है जो कि अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इंडियन मार्केट में रखता है और एक अच्छा खासा नाम है यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें अस्सी हज़ार करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है सत्ताईस सौ तेईस परसेंट का यहाँ पर आर ओ है और उन्नीस के आसपास पास का डेट कोई प्लेजिंग नहीं इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स की तो यहाँ पर यहाँ पर ये यह जो शेयर है बर्जर पेंट्स वो एशियन पेंट्स से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक्स है तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा अगर पर आप देखेंगे ना यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो तो आपको पता चलेगी कि बर्जर पेंट ने यहाँ पर एशियन पेंट से भी ज्यादा रिटर्न दिया और एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और ये शेयर जब तो थोड़ा बहुत गिरता है ना यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है तो ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर छोड़ देनी है याद रखिएगा सेल्स की बात करें सेल्स यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईयरली बेसिस पर बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी ने 1800 करोड़ की सेल्स यहाँ पर 8000 करोड़ के आसपास की सेल्स में आ गई है नेट प्रॉफिट भी आठ करोड़ के आसपास है रिजर्व्स अच्छे खासे हैं बॉडें यहाँ पर कम होती है नजर आ रही है वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे हैं इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है एज वेल एज बात करें कैश कंपनी का चार करोड़ का कैश भी रखा हुआ है और यहाँ पर आर की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीस के नीचे आर आए और बीस के नीचे आर आने का मतलब है मतलब बीस के ऊपर आर होने का मतलब है कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है और आपको अच्छा खासा गेन फ्यूचर

इसके चार्ट पैटर्न की तो अगेन मैं आपको वही चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोबारा ये शेयर 50 डीएमए के आसपास आ गया है ओके okay, तो 50 डीएमए के आसपास आने का मतलब क्या है कि ये शेयर कभी भी यहाँ पर एक काफी टाइम से यहाँ पर एक साइड बेस्ट जोन में यहां पर चल रहा है अगर बात करें से लेके अभी तक तो यहाँ पर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर कभी भी ये शेयर ऊपर की तरफ निकल जाएगा और बेहतरीन रिटर्न आपको देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं ये बेहतरीन यहाँ पर शेयर है पेंट सेक्टर का और जैसे जैसे इकोनॉमी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर

मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है पैंतीस हजार करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है आर ओ सी आर ओई काफी बेहतरीन है ओके जो कि हमें चाहिए होता है डेट की बात करें सत्तावन परसेंट का डेट है कोई शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है यहाँ पर इसके अलावा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं दो हजार सोलह से इसका मार्केट चार्ट पैटर्न और ऊपर की तरफ ही जाता हुआ ये शेयर दिखाई दिया है ऐसे ही शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आते हैं और उनचास परसेंट का सी एडीआर है पिछले लास्ट साल पांच साल में तो ये चीज बताती है कि कंपनी कितनी बेहतरीन होगी क्वार्टरली रिजल्ट की बात

वर्किंग प्रोग्रेस में तीन सौ बासठ रुपए अभी भी लगे हुए हैं कैश की बात करें अड़तालीस परसेंट का सॉरी अड़तालीस करोड़ का, का यहाँ पर कैश भी है और यहाँ पर देखिए आर ओ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही है प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है ट्वेंटी सेवन जो की थोड़ी थोड़ी कर करके यहाँ पर घटाते जा रहे हैं और जो ये घटा रहे हैं वो अगर बात करें एफ आई आईज पर बढ़ाते जा रहे हैं ग्यारह सोलह बीस उन्नीस बीस और इक्कीस परसेंट डीआईएस की बात करें डीआईएस भी यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कम कर रहा है कभी कम कर रहा है कभी बढ़ा रहा है तो इन्होंने इस बार बढ़ाती हुई दिखाई दी है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास से देखिए शेयर पहले यहाँ पर पब्लिक ने लिया और यहाँ पर अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये यह जो शेयर है अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर अगर हम बात करें लॉरुस लैब की तो लॉरूस लैब के साथ भी ये अगेन आ गया जब भी फिफ्टी डी के आसपास आता है एक अच्छी खासी जंप थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद दिखा देता है तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन जून से लेके अभी तक लगभग दो से तीन महीने का हो चुका है और ये शेयर यहां पर अब दोबारा कभी भी भाग सकता है यहां पर ऑलरेडी यहाँ पर शेयर छह सौ पे आ गया है रिजल्ट आए थे रिजल्ट पे पांच सौ छह के आसपास शेयर था उसके बाद सात सौ तक जाता हुआ दिखाई दिया फिर यहाँ पर गिरता हुआ एक अपॉर्चुनिटी आपको अब देता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जो की है लामाइंस एलका की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बेहतरीन स्टॉक्स एमाइंस का कल भी एक स्टॉक्स बताया था यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट ऑफ द डे इसमें एक छोटा शेयर से रिलेटेड करी थी अब यहां पर बड़े की बात करेंगे तो एलकाईंस की बात करें तो देखिए यहां पर मिड कैप कंपनी एज वेल एज डेट फ्री कंपनी प्लेजिंग कुछ नहीं आर ओ सी आर ओई बेहतरीन तो ऐसी ही कंपनी आपको करोड़पति बनाने में हेल्प करती है इस चीज को आपको देखना होगा छः रुपये का शेयर यहाँ पर कितने रुपए का यहाँ पर छे चार हजार रुपये पे और बीच में अभी स्प्लिट बोनस देते हुई नजर आई थी कंपनी तो यहाँ पर ऐसी ही कंपनी परफॉर्म करती हुई नज़र आती है सेल्स कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती हुई नजर आती है और किस किस केमिकल्स की एक बेहतरीन कंपनी अमाइंस की एक बेहतरीन कंपनी है जो कि अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है और यहाँ पर देखिए हाईस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट में प्रॉफिट हाइएस्ट एवर यहाँ पर दो सौ चौदह करोड़ का चौदह सौ करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है नेट प्रॉफिट तीन करोड़ का यहाँ पर हो चुका है रिजर्व सात करोड़ के वर्किंग प्रोग्रेस में एक करोड़ रुपए बॉरिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एज वेल एज बात करें कैश अच्छा खासी कंपनी का पास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आर ओ सी आर ओ ही देखे तो देखिए बीस के नीचे तो बहुत ही रेयर यहाँ पर चलता था जब ये स्टार्टिंग में कंपनी आई थी उसके बाद से तो कंपनी केवल ऊपर और ऊपर और ऊपर ही यहाँ पर भागती हुई दिखाई दे रही है प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है सेवेंटी फाइव परसेंट के आसपास सेवेंटी फोर एफ आई ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है डी आईस ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है आ, अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक की तो पब्लिक की भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाती हुई नजर आ रही है तो थोड़ा सा इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए जिसका नाम है एलका एलाम और अगर हम मैं इससे रिलेटेड बात करूँ एलका एमाइंस से रिलेटेड तो एलका एलाम में देखिए यहाँ पर ये शेयर फिर दोबारा फिफ्टी डी के आसपास आ गया है, ये भागता हुआ आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको जनरली एक और बात बात यहाँ पर शेयर जिस तरीके से भागता हुआ दिखाई दे रहा है ना तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्प्लिट या बोनस से रिलेटेड न्यूज कभी भी आ सकती है तो इसकी तरफ भी ध्यान दे सकते है तो ये पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स है जिनकी तरफ आप ध्यान दीजिए बेहतरीन स्टॉक्स है बाइंग सेलिंग की रिकमेंड